क्यों रे बाबू, हम सबको एक जगह क्यों बुला लिया? क्यों बाबू, इतना अर्जेंट क्या था? सबको एक जगह लाकर बैठा दिया है, नीचे कोई बॉम्ब वॉम तो नहीं लगाया है? ऑलरेडी मरे हुए लोगों को बॉम्ब रखकर मारना ना मर्दों का काम है। ए, कमीने। ना मर्द अगर पैंट शर्ट पहन भी लें तो उनके घर बच्चे नहीं हो जाएंगे। चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कौन है ये नया पीस, फिल्मी हीरो जैसा बात कर रहा है? तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि जो माल तुम्हें सप्लाई होना था वो भटकल के मुख्तार के कब्जे में है। इस मामले को यहीं खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया है। मुख्तार के साथ मैं डील कर लूंगा, लेकिन हर महीने आप लोग जो डील करेंगे उसका 10% हमें देना होगा। तेरा जो लुक है ना और तेरा डायलॉग सुन के मुझे तेरी बात पे भरोसा होने लगा है। मैं 10% देने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। धंधे में मना करना बुरी आदत है। नमक हराम कमीनों, तुम लोग मर गए तो ही अच्छा। मुख्तार भाई, क्या बे, इसकी मौत देखने आया क्या? भाई, रातों रात मेरी जगह दूसरे को बिठा दिया और मुझे दूसरी जगह भेज दिया। आने वाला इनकाउंटर करने में माहिर है। उस्ताद, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं डिपार्टमेंट ने आपको उठाने का प्लान तो नहीं बना लिया है। इन्फॉर्मेशन देकर नमक का हक अदा कर दिया। किधर किसे कैसे ढालना है ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर बात से नहीं झुका तो करेंसी काम आएगी ना, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो ये उसके नीचे रख देंगे और वो ऊपर चला जाएगा। सर, ए, तेरा इधर क्या काम है? तेरा ट्रांसफर हो गया ना, आउट। ठीक है सर। ओह, ये मेरे लिए रखेगा? तू किधर रखेगा? एसिड बाबू की कितनी लारी सीज किए तो ये सब एसिड बाबू का प्लान है। ए, 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 रुक रुक, ए, रुक, कहाँ जा रहे, रुक। लारी को छोड़ने के लिए बोल, बोल। अरे, रुक। हेलो, लॉरी के पास है ना, लॉरी छोड़ना। बॉम्ब ऑन होते ही तेरा मीटर ऑफ हो गया ना। जान इतनी प्यारी है तुझे और तू एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। हाँ, नहीं नहीं, आजकल ओरिजिनल बच्चों को ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलते। फिर स्टेपनी बच्चे लाइन में रुकेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? छह बुलेट में से चार इस्तेमाल हो गई। जाकर एनकाउंटर बोल के फाइल दे दे, प्रमोशन मिल जाएगा। नियत की टोपी सर पर डाल ले, ऑनेस्टी का बेल्ट कमर में कस ले, इससे सारे लोग विसल बजाकर स्टार तेरे कंधे पर डालेंगे। जा, खुश रह। ये ले तेरी गन। थैंक यू सर। मेरी बच्ची। ए चीका, आवाज। हाय चार्वी। व्हाट अंकल? चल तेरे डैडी आए, आजा। या। आजा आजा आजा। हाय पापा, आप कहाँ गए थे? पुलिस के बच्चों को ऐसे चोरी करता है तो बाकी बच्चों को कैसे करता होगा? अभी ये जरूरी था क्या? काम कराने के बाद ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है बॉस। अच्छा, सही कहा। हमें ऐसी खबर मिली है कि सुबह सुबह पुलिस और भटकल के मुख्तार के बीच हुई गोलाबारी में मुख्तार पुलिस की गोली का शिकार हो गया है। हमारे रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी। नहीं, 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 नहीं
उस नोटोरियस एसिड बाबू का छोटा भाई है। यस सर। उसे इन्फॉर्म कर दिया ना? सुबह ही कर दिया सर। अगर तूने उसे भाई बोलकर अपना लिया तो पुलिस तेरे सारे पुराने केसेस खोल के तुझे अंदर कर देगी। इस वजह से क्या मैं अपने भाई को छोड़ दूं? भाई बेटर है। इंसिडेंट होने के बाद भी अपने भाई को देखने नहीं आया, मतलब हार्ड कोर क्रिमिनल है वो। डर गया होगा कि इससे लिंक करके उसे कहीं अंदर न डाल दें। एसिड बाबू की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। इस बॉडी को विक्टोरिया मॉर्ग में शिफ्ट कर दो। 24 घंटे वेट करना। तब तक वो नहीं आया तो एज पर लॉ इस बॉडी को लावारिस घोषित करके डिस्पोज कर देना। बाहर रहेगा तो गेम खेल सकते हैं, पर एक बार अंदर गया तो वो तुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, सोच ले। सॉरी मालिक, मुझे सब पता चल गया। दुख की बात यह कि पुलिस ने बॉडी को लावारिस घोषित करके चला दिया। भाई, भाई तो मुझे तकलीफ है। मेरे भाई को किसने उठाया मुझे पता चलना चाहिए। बेंगलुरु, पूरे बेंगलुरु को चला दूंगा। इसका प्लान बना था बेंगलुरु सेंट्रल जेल में। क्या कहा? कोतवाल ने किया ये सब? अगर वो हवा भी छोड़ता है तो मुझे पता चलता है मालिक।